Good morning, friends. Today is day 2 for Java. Last class के अंदर हम लोगों ने जो discuss करा था आपके साथ, वो ये discuss करा था कि simple Java program कैसे लिखा जाता है. Public static void main का मतलब क्या होता है, class एक container है, class का मतलब क्या होता है, method का मतलब क्या होता है और variable का मतलब क्या होता है, constructor का मतलब क्या होता है और कैसे Java का एक program को object oriented way में लिखा जाए और कैसे execute करा जाए. आज हम उससे थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर चलते हैं. तो जब हम कोई प्रोजेक्ट वर्क करेंगे या कोई हम लोग किसी तरीके का टेस्ट केसेस लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को मल्टीपल जावा के प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे. एक ही सिंगल जावा के प्रोग्राम से पूरा प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर सकता, तो आपको अलग अलग काम के लिए डिफरेंट क्लासेस और हर क्लास के अंदर अपना मेथड बनाना पड़ेगा जो कि एक्शन परफॉर्म करता है. तो उसी चीज को हम लोग ग्रुप ऑफ द क्लासेस कहते हैं. ग्रुप ऑफ द क्लासेस मीन्स मल्टीपल क्लासेस, और वो मल्टीपल क्लासेस जो एक ही लोकेशन के अंदर है. जैसे कि एग्जांपल के तौर के ऊपर मेरा एक फोल्डर है कोर जावा. अब ये मेरा फोल्डर जो है ये कोर जावा है. अब इस कोर जावा के अंदर मैं एक लॉगिन डॉट क्लास कंपाइल कर रख रहा हूँ, एक साइनअप डॉट क्लास कंपाइल कर रख रहा हूँ, एक शॉप डॉट क्लास कंपाइल कर रख रहा हूँ. ये तीनों क्लासों की जो लोकेशन है वो लोकेशन कहां पर है, वो लोकेशन इस कोर जावा नाम के फोल्डर के अंदर है. तो ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ क्लासेस. ग्रुप ऑफ क्लासेस मीन्स जो कि एक ही लोकेशन में है. तो इसका मतलब कि जो कोर जावा जो नाम का फोल्डर है इसको हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, इसका डिफॉल्ट पैकेज है. अभी पैकेज कैसे बनाया जाता है वो चीज हम लोग आगे चलकर देखेंगे अपने जो ट्यूटोरियल्स होंगे कि पैकेज का मतलब क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे पैकेज को इंपोर्ट करा जाता है, वो आगे की चीज है. अभी मैं जो एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ, मैंने कोई पैकेज बना नहीं रहा, मैं कोई पैकेज को कहीं पर इम्पोर्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि मैंने एक अपने मशीन के ऊपर कोर जावा नाम का फोल्डर बना रखा है और जितने भी मैं प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ वो सबको मैं कहाँ पर रख रहा हूँ, कोर जावा में रख रहा हूँ और वहीं पर मैं कंपाइल कर रहा हूँ. तो जितनी क्लास बन रही है वो कोर जावा नाम के फोल्डर में बन रही है. तो ये क्योंकि सारी क्लासेस एक ही लोकेशन के अंदर है तो ये सारी क्लासेस को हम लोग ग्रुप ऑफ द क्लासेस कह सकते हैं. अब ग्रुप ऑफ द क्लासेस का फंडा जो है वो ये है कि द क्लासेस defined within the same location or within the same package can be accessed within each other. एक क्लास को दूसरी क्लास से कॉल कराया जा सकता है, एक क्लास का कंस्ट्रक्टर को दूसरी क्लास के कंस्ट्रक्टर से कॉल कराया जा सकता है, ठीक है ना. जैसे हमने डे वन के अंदर देखा था कि मेन रखना कोई कंपलसरी नहीं है. हम लोगों ने जो है प्रोग्राम लिखा था उसमें मेन नहीं लिखा था तो कंपाइल टाइम एरर नहीं आया था, कंपाइल हो गया था प्रोग्राम. लेकिन जब प्रोग्राम को चलाया था, रन करवाया था, तब हम लोगों ने देखा था कि एक रन टाइम एरर आ रहा था कि मेन मेथड नॉट फाउंड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ठीक है. वो रन टाइम एरर था लेकिन कंपलसरी नहीं था कि आप मेन मेथड को रखा जाए. तो वो चीज अब हम मेन मेथड को क्यों नहीं रखा जाए, वो इसका कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि मेरे को एक क्लास बनानी है लेकिन उसमें मेन मेथड नहीं रखना है, तो वो भी कॉन्सेप्ट ग्रुप ऑफ द क्लासेस के अंदर ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जब सारी क्लासेस एक ही लोकेशन में होती है तो हम एक क्लास का कंस्ट्रक्टर दूसरी क्लास में से कॉल कर सकते हैं और हर क्लास के अंदर अपना इंडिविजुअल मेन मेथड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. अगर अपने हमारी हर क्लास में अपना इंडिविजुअल मेन मेथड है तो वो क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास कहलाती है, कि वो क्लास को हम इंडिपेंडेंटली कॉल कर सकते हैं, वो किसी दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन अगर मैं किसी क्लास में से मेन को हटा देता हूँ तो क्लास कंपाइल तो हो जाएगी लेकिन डायरेक्टली रन नहीं होगी, क्योंकि आपने जैसे देखा था कि अगर मैं प्रोग्राम को रन करवाऊंगा और अगर मेन मेथड नहीं है तो प्रोग्राम में क्या दे देता है, एरर दे देता है कि मेन मेथड नॉट फाउंड. तो उस केस में वो क्लास कैसे रन होगी, तो मैं वो क्लास को किसी दूसरी क्लास के मेन मेथड में से कॉल करवा सकता हूँ या किसी दूसरे क्लास के मेथड में से कॉल करवा सकता हूँ. तो इसका मतलब है कि वो क्लास किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, उस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट हो गई जिस क्लास के अंदर से मैं उस क्लास को कॉल करवा रहा हूँ. जैसे ये सामने का एग्जाम्पल अगर आपको देखें तो मैंने एक लॉगिन क्लास बना रखी है जो कि एक्शन परफॉर्म कर रही है लॉगिन करवाने का, एक साइनअप क्लास बनवा रखी है जो कि एक्शन परफॉर्म करा रही है साइनअप करने का, और एक शॉपिंग क्लास बना रखी है जो कि क्या कर रही है, जो कि एक शॉपिंग कर रही है, कुछ है ना, आप परचेज कर रहे हो. तो अब अगर मैं इस क्लासों को देखूं तो आप देखोगे जो शॉपिंग क्लास है
ये शॉपिंग क्लास जो है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, अपॉन लॉगिन। आप डायरेक्टली जो है शॉपिंग नहीं कर सकते आप हमेशा जो है पहले लॉगिन करोगे, और लॉगिन से जब आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाओगे तभी आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इस क्लास को डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ शॉप क्लास को, तो मैं इस क्लास में से क्या कर दूंगा, मेन मेथड को रिमूव कर दूंगा। तो ये मेन मेथड जब रिमूव हो जाएगी तो इस क्लास को कोई भी डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाएगा, और उस केस में लेकिन क्लास बनी हुई है तो मेरे को कॉल करवानी है, लेकिन कब कॉल करानी है, जब सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए। तो उस केस में अगर मैं सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लॉगिन क्लास से किसको कॉल करवा सकता हूं, मैं लॉगिन क्लास से शॉपिंग क्लास को कॉल करवा सकता हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक क्लास में से दूसरी क्लास को कॉल कराना, ये तभी पॉसिबल है जब लॉगिन क्लास और शॉपिंग क्लास दोनों एक ही फोल्डर के अंदर हो, एक ही पैकेज में हो या डिफॉल्ट पैकेज के अंदर हो। अब ये चीज कैसे करी जाती है, उस चीज का एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल सामने एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे इस चीज को करा जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप सामने देखेंगे तो मैं एक क्लास बना रहा हूं लॉगिन डॉट जावा, मैंने इसके अंदर एक क्लास बनाई लॉगिन, और लॉगिन क्लास के अंदर मैंने यहां पर डू लॉगिन नाम का मेथड बना दिया, जो कि यूजर आईडी और पासवर्ड को एज ए इनपुट ले रहा है। अब इसके अंदर मैंने मान के लिए कुछ कोड लिखा, वो कोड बाद में देखेंगे, कुछ कोड लिखा जिससे हम लोग चेक कर रहे हैं कि मेंबर है या नहीं। तो मैंने चेक करा कि इफ मेंबर का मतलब कि आप मेंबर हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर से जाकर क्या कर रहा हूं, शॉप एस इज इक्वल्स टू न्यू शॉप। तो इसका मतलब कि आप किस क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हो, आप एक शॉपिंग क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हो, और एस डॉट डू शॉपिंग नाम के आपने मेथड को कॉल करवा लिया। तो इसके मीन्स कि अगर आप मेंबर हो तो आपने यहां से किसको कॉल करा रहे, किसी शॉपिंग क्लास को कॉल करवा रहे हैं डू शॉपिंग मेथड को। एल्स का मतलब क्या हुआ, एल्स का मतलब हो गया कि आप मेंबर नहीं हो, नहीं हो तो हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, रजिस्टर आर इज इक्वल्स टू न्यू रजिस्टर और आर डॉट न्यू मेंबर। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने यहां पर क्या करा, अगर आप मेंबर नहीं हो तो मैंने फिर से एक और नई क्लास को कॉल करा रखा है, कौन सी क्लास को, रजिस्टर्ड क्लास को कॉल करा रखा है। न्यू कीवर्ड में मतलब क्या हुआ कि रजिस्टर एक क्लास है, मतलब कि रजिस्टर एक कंस्ट्रक्टर है, और न्यू मेंबर क्या है, न्यू मेंबर उसका मेथड है जो कि न्यू मेंबर को रजिस्टर करवाने का काम कर रहा है। और इस तरीके से मैंने इसके अंदर ये क्या करा, इफ का इफ खत्म हो गया, एल्स का एल्स खत्म हो गया, और लॉगिन मेथड का लॉगिन मेथड खत्म हो गया। अब ये क्लास लॉगिन के अंदर मैंने एक मेन मेथड बनाया जो कि मेरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, ठीक है ना। ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने एक आपके सामने मेन मेथड बना दिया, और मेन मेथड में जाकर हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने लॉगिन एल इज इक्वल्स टू न्यू लॉगिन कर इस क्लास को इनिशियलाइज करा, और एल से हम लोगों ने यहां पर डू लॉगिन मेथड को जो भी इनमें इनपुट भेजना है भेज दिया। तो अब क्या होगा कि मेरा जब प्रोग्राम में लॉगिन चलवाऊंगा तो सबसे पहले वो किसको कॉल करेगा, सबसे पहले वो मेन मेथड को कॉल करेगा। मेन मेथड से किस क्लास को इनिशियलाइज कर रहा है, लॉगिन क्लास को इनिशियलाइज कर रहा है, और लॉगिन क्लास के कौन से मेथड को कॉल करा रहा है, डू लॉगिन मेथड को कॉल करा रहा है। और डू लॉगिन मेथड में आपने क्या भेज दिया, आपने कुछ इनपुट भेज दिया जिसको वो चेक कर रहा है कि अगर मेंबर है तो शॉपिंग क्लास को कॉल करा रहा है, मेंबर नहीं है तो रजिस्टर क्लास को कॉल करा रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन राइज होता है कि शॉपिंग क्लास है कहां, रजिस्टर क्लास है कहाँ, तो उसके लिए मेरे को एक शॉपिंग क्लास भी बनानी पड़ेगी और मेरे को एक रजिस्टर क्लास भी बनानी पड़ेगी। तो एक अगली क्लास कौन सी क्लास बनाते हैं, अगली क्लास हम लोग एक शॉपिंग क्लास बनाते हैं जो कि शॉपिंग करने का काम करती है। तो इसको हम मिटाते हैं, तो एक और सेकंड, तो ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है लॉगिन डॉट जावा के नाम से सेव कर रखा है मैंने, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम हम जो बना रहे हैं वो क्या है, वो है शॉप डॉट जावा। दूसरा प्रोग्राम कौन सा है मेरा, शॉप डॉट जावा। तो फिर से इसके अंदर मैंने क्या बनाई, क्लास शॉप बनाई, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, डू शॉपिंग नाम का जो भी था वो मेथड बना दिया, और उसके अंदर मैंने कुछ शॉपिंग करने का कोड लिख दिया।
लेकिन मैंने इसके अंदर मेन मेथड नहीं लिखा, तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एंड ऑफ क्लास कर दी, तो इसका मतलब कि मैंने इसके अंदर नो मेन मेथड, मैंने इसमें कोई मेन मेथड नहीं लिखा। क्यों नहीं मेन मेथड लिखा, अगर मैं इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिख देता यहाँ पर, ठीक है ना, तो उस केस में आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते और जब रन कराते जावा शॉपिंग जावा शॉप कर, तो उस केस में मेन मेथड कॉल हो जाता और मेन मेथड शॉपिंग करवा देता, लेकिन वो तो फिर इंडिपेंडेंट क्लास बन जाती। इंडिपेंडेंट कौन रहेगा, फिर लॉगिन करने का मतलब ही क्या रहेगा अगर आप डायरेक्टली इस क्लास को कॉल कर पा रहे हो, क्योंकि इस क्लास को मेरे को डिपेंडेंट क्लास बनाना है, तो उसके लिए आपने इसके अंदर से मेन मेथड को हटा दिया, तो ये क्लास कंपाइल तो हो जाएगी। जब हम कंपाइल करेंगे तो हम CMD के ऊपर जावा सी शॉप डॉट जावा कर करेंगे, तो ये प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा, मेरे को एक शॉप डॉट क्लास मिल जाएगी। लेकिन जब मैं इसको रन करवाने का काम करूंगा जावा शॉप, तो ये रन टाइम एरर दे देगा, जो आपको पहले बता चुका हूं कि मेन मेथड नहीं मिलेगा, तो उसका मतलब कि अब ये क्लास इंडिपेंडेंटली रन नहीं हो पाएगी। लेकिन क्लास तो बनी हुई है, तो उस क्लास को हम लोगों ने क्या करा था, जो पहले प्रोग्राम लिखा था आपका लॉगिन वाला जो प्रोग्राम लिखा था, मैंने इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कहां से कॉल कराया था, डू लॉगिन नाम के मेथड से कॉल कराया था कि अगर आप मेंबर हो तो ये क्लास इनिशियलाइज हो रही है और डू शॉपिंग मेथड कॉल हो रहा है। तो समझ लीजिए आप एक क्लास को आप क्या कर रहे थे, आपने लॉगिन डॉट जावा के अंदर से शॉपिंग डॉट जावा को कॉल कराया, आपने क्या करा, आपने लॉगिन डॉट जावा के अंदर से shopping.java को कॉल कराने का काम करा, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब ये दोनों क्लास कहां पर हो, सेम लोकेशन के अंदर हो। अगर ये दोनों क्लास अलग अलग लोकेशन के अंदर हो जाएगी, सेम लोकेशन होने की है, अगर अलग अलग लोकेशन हो जाएगी तो फिर हमको पैकेज बनाना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे, और उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी आगे देखेंगे, क्योंकि अभी कोई हमने पैकेज नहीं बना रखा और दोनों एक ही लोकेशन में है, तो इसका मतलब कि दोनों डिफॉल्ट पैकेज के अंदर है, पैकेज वर्ड लिखने की हमारे को जरूरत नहीं पड़ती है। और सेम तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप एक रजिस्टर क्लास बना सकते हो, जैसे कि मैंने एक और क्लास बना रखी थी, वो कौन सी क्लास बना रखी थी, वो क्लास बना रखी थी हमने रजिस्टर डॉट जावा, और उसके अंदर भी हम लोगों ने एक क्लास बनाई रजिस्टर्ड, और रजिस्टर के अंदर हम लोगों ने मेथड बनाया था न्यू मेंबर, और न्यू मेंबर के अंदर भी हम लोग यहाँ पर कुछ कोड लिख देंगे कि अगर इंसर्ट करने पर इसका कि आप न्यू मेंबर इंसर्ट करा दीजिए। अब क्योंकि रजिस्टर्ड क्लास किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि रजिस्टर क्लास जो है वो हम लोग तो कोई बंदा डायरेक्टली जाकर भी रजिस्टर करा सकता है, लॉगिन के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है, तो उस केस में मैंने इसके अंदर अब मेन लिख दिया, उसका मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर आर इज इक्वल्स टू न्यू रजिस्टर और आर डॉट न्यू जो भी था मेंबर नाम का मेथड को मैंने कॉल करा दिया। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि लॉगिन क्लास इस रजिस्टर क्लास को भी कॉल करा रही थी। अगर फिर से आप देखोगे तो हमने लॉगिन डॉट जावा देखा था तो वो भी रजिस्टर को कॉल करवा रहा था। कब कॉल करा रहा था, जब हमने देखा था कि आप मेंबर नहीं हो, अगर आप मेंबर नहीं हो तो मैंने बोला रजिस्टर करा लीजिए जाकर। तो ये कोई मतलब रटने वाली चीज नहीं है कि जिस क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं होगा उसी क्लास को आप कॉल करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है वो हमारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो रजिस्टर क्लास हम लोग डायरेक्टली भी कॉल करवा सकते हैं, तो इसमें मेन मेथड आ गया, और रजिस्टर क्लास को हम लोग लॉगिन के थ्रू भी कॉल करवा सकते हैं कि अगर आप मेंबर नहीं हो तो रजिस्टर करवा लीजिए जाकर। उसी तरीके से शॉपिंग क्लास जो है, जो मेरी शॉप वाली है, उसको मैं क्योंकि डायरेक्टली कॉल नहीं करवा सकता तो मैंने उसमें से मेन हटा दिया कि डायरेक्टली कॉल नहीं करा सकते, और उसको हमेशा कहां से कॉल कराया जाएगा, लॉगिन से कॉल कराया जाएगा, तो मैंने लॉगिन में से उसको इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन ये काम फिर से दोबारा से तभी होगा जब लॉगिन और रजिस्टर कहां पर होना चाहिए, सेम लोकेशन के अंदर होना चाहिए, तभी ये काम होता है, ठीक है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट में भी आपके साथ जो है एक प्रैक्टिकल सेशन वाला ये वाला एग्जांपल जो है आपके साथ शेयर कर लूंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां से आपको इसका प्रैक्टिकल सेशन में इस चीज का वैल्यू पता चल जाएगा। अगली चीज जो है वो हम लोग एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है आउटर क्लास और इनर क्लास का। अभी आप लोगों ने जो है देखा कि एक क्लास को दूसरी क्लास में से कॉल करवा रहा था, ठीक है ना, और क्लासे लेकिन डॉट जावा का प्रोग्राम अलग अलग
प्रोग्राम बन रहे थे, लॉगिन डॉट जावा एक अलग प्रोग्राम था और आपका स्टॉप डॉट जावा एक अलग नाम का प्रोग्राम था, कंपाइल होकर एक ही जगह रखे जाते हैं। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास के अंदर भी क्लास डिफाइन कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं सामने, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ आउट डॉट जावा, मैंने एक प्रोग्राम लिखा आउट डॉट जावा, मैंने इसके अंदर एक क्लास बनाई आउट, ये आउट क्लास बन गई, और इसके अंदर मैंने void out method, मैंने इसका मेथड बनाया, ये मेथड किसको बिलोंग कर रहा है, आउट क्लास को बिलोंग कर रहा है, और मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन में लिख दिया मेथड ऑफ आउट, ये आउट का मेथड है, ये मैंने मेथड बंद कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्लास अभी ओपन है, तो मैं इस क्लास के अंदर एक और जाकर क्लास बना रहा हूँ क्लास इन, और इस इन क्लास के अंदर जाकर फिर से मैं एक मेथड लिख रहा हूँ इन मेथड, तो इसका मतलब कि ये मेथड किसको बिलोंग कर रहा है, इन क्लास को बिलोंग कर रहा है, और मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन में लिख दिया मेथड ऑफ इन, ठीक है जी। अब इन क्लास के नाम से कभी प्रोग्राम सेव नहीं होगा, प्रोग्राम हमेशा जो सेव होगा वो आउट क्लास के नाम से सेव होगा, पहली बात। दूसरी क्लास, इन क्लास के अंदर कभी भी मेन मेथड नहीं हो सकता, मेन मेथड जो रहेगा हमेशा आउट क्लास में रहेगा, इसलिए मैं इन क्लास को यहां पर बंद कर देता हूं, तो ये क्या हो गया एंड ऑफ इन क्लास, तो इसका मतलब कि ये इन क्लास बंद हो गई, इन क्लास में कोई मेन मेथड नहीं हो सकता। अभी आउट क्लास अभी हमारी ओपन है, अभी वो चल रही है। अब मैं मेन मेथड लिख रहा हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड में किसके अंदर लिख रहा हूं, मेन मेथड में आउट क्लास के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब मेन मेथड से मैं आउट क्लास को इनिशियलाइज कर रहा हूं, आउट ओ इज इक्वल्स टू न्यू आउट, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, और ओ डॉट आउट मेथड से आउट क्लास का मेथड भी कॉल हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउट के मेथड से मैं इन के मेथड को कॉल नहीं करा सकता, मैं आउट से आउट के ही मेथड को कॉल करवा सकता हूं, मैं आउट से इन के मेथड को कॉल नहीं करा सकता, तो उसके लिए मेरे को इन क्लास को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन क्लास को इनिशियलाइज करता हूं, यहां पर सामने बराबर में लिखते हैं, अगर मैं इन क्लास को इनिशियलाइज करता हूं, मैं लिखता हूं इन आई इज इक्वल्स टू न्यू इन, तो ये एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि न्यू इन का मतलब क्या हुआ, एक न्यू मेमोरी बन रही है, तो ये वाली जो क्लास है ये किसके अंदर डिफाइंड है, ये बाहर वाली क्लास के अंदर डिफाइंड है, तो इसकी मेमोरी बनेगी तो किसके अंदर बनेगी, आउट की मेमोरी के अंदर इनकी मेमोरी बनेगी। तो इसका मतलब अगर मैं डायग्राम बोलूं तो मैं बोल रहा हूं कि ये आउट की मेमोरी है और ये आउट के अंदर किसकी मेमोरी बन रही है, ये इनकी मेमोरी बन रही है, तो इसका मतलब कि जो मेमोरी आउट की है उसके अंदर इनकी मेमोरी बनेगी। तो यहां पर जब मैंने इन आई इज इक्वल टू न्यू इन लिखा, तो न्यू इन का मतलब क्या हो गया कि वो एक इंडिपेंडेंट इनकी मेमोरी बनाने का काम कर रही है और आउट की अलग बनाने का काम कर रही है, दो अलग अलग मेमोरी बन रही है, वो चीज हम लोगों ने बोला रॉन्ग हो गई है, क्योंकि इनकी जो मेमोरी है वो हमेशा आउट के अंदर बनेगी। तो अब ये आउट के अंदर इनकी मेमोरी कैसे बनाई जाए, उस चीज को देखते हैं कि आउट के अंदर इनकी मेमोरी कैसे बनाई जाए, ठीक है। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, अब हम यहां पर लिख रहे हैं out dot in i is equals to new out dot new in। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, मैं इसको कर देता हूं, तो अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा out dot in i is equals to new out dot new in, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने यहां पर out के अंदर in और आउट की मेमोरी के अंदर इनकी मेमोरी को इनिशियलाइज कर रखा है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए इस चीज को, आउट डॉट इन आई इज इक्वल्स टू न्यू आउट डॉट न्यू इन, ठीक है। और उसके बाद मैं इन से इनके मेथड को कॉल करवा सकता हूं। तो ये क्या है, ये बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द मेमोरी हो रहा है, कि अगर मेरे पास एक आउटर स्पेस है तो उस आउटर स्पेस में से ही अगर मैं इनर स्पेस को कार्व आउट कर लूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरे को स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और हमेशा आप इन स्पेस में कब आ सकते हो, जब आउटर स्पेस में एंटर करोगे तभी इनके स्पेस में आ जाओगे। तो उसमें मतलब कि इनका जो स्पेस है वो हमेशा आउट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, कि हमेशा पहले आउट इनिशियलाइज होगा तभी इन इनिशियलाइज होगा, तो उसमें मतलब कि डिपेंडेंट बन गया। तो अगर मेरे को डिपेंडेंट क्लास बनानी है
तो उस केस में मैं डिपेंडेंट क्लास के अंदर जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था वैसे ही बना सकता हूँ, और अगर डिपेंडेंट क्लास बनानी है तो उस केस में मैं एक बाहर आउट क्लास के अंदर भी इन क्लास को बना सकता हूँ, तो इन क्लास विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन द आउट क्लास। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको कि ग्रुप ऑफ द क्लासेस का क्या मतलब है और जो है आउट और इन क्लासेस का क्या मतलब है और इन क्लास को कैसे इनिशियलाइज कराया जाता है। इसके बाद मैं आपके साथ जो है एक और टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, और वो जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है, वो है वेरिएबल। तो व्हाट इज अ वेरिएबल, वो चीज हम लोग अब डिस्कस करते हैं अगले। तो व्हाट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल इज अ कंटेनर। जैसे हम दुनिया में जो भी चीज है वो एक डाटा है, मेरा नाम है, मेरी एज है, क्वालिफिकेशन, वो डाटा है। वो डाटा कहां पर स्टोर हो रहा है, वो डाटा एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। जब भी कोई मेथड एक्शन परफॉर्म करता है, जो लास्ट क्लास में दिखाया था बताया था, तो मेथड एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म करता है, वो वेरिएबल के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, तो व्हाट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड द डाटा। ठीक है ना, जो डाटा को होल्ड करता है, जैसे कि एक बॉक्स है और वो एक आइटम को होल्ड कर रहा है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बॉक्स इज इक्वल्स टू आइटम। लेकिन घर में बहुत सारे बॉक्स हो सकते हैं, तो मैं उस बॉक्स का टाइप भी बताना पड़ेगा, तो उसके आगे का मैं लिख देता हूँ स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू आइटम। तो इसका मतलब कि ये जो आइटम है ये स्मॉल है तभी बॉक्स भी स्मॉल है, अगर आइटम बिग होता तो मेरा बॉक्स भी बिग होता। तो इसका मतलब कि हम बोल रहे हैं कि ये जो स्मॉल है ये क्या है, ये टाइप है। किसका टाइप है, डाटा का टाइप है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट ध्यान से देखेंगे तो ये जो यहाँ पर जो हम फर्स्ट जो इधर लिख रहे हैं ये क्या है, ये है टाइप। किसका टाइप है, ये डाटा का टाइप। वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल का टाइप का मतलब क्या हुआ, जो डाटा का टाइप होगा वही वेरिएबल का टाइप होगा। आयो तुम्हें, ठीक है ना। तो वेरिएबल एक कंटेनर है जो डाटा को होल्ड कर रहा है। किस टाइप का डाटा, उसके लिए मेरे को इनिशियलाइज करना पड़ता है वेरिएबल को, तो वेरिएबल को बताना पड़ेगा मेरे को कि ये मेरा वेरिएबल किस टाइप का है, उसके लिए मेरे को टाइप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल इनिशियलाइज होता है तो आपको उसके अंदर टाइप लिखना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा और इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू लाइक कुछ नहीं है तो 0 या 0.0 या इज इक्वल टू नल, तो उससे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है ना, अब ये आगे चलकर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी सिंपल एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है ना, अच्छा वेरिएबल जो है का नाम, जो वेरिएबल नेम है, अब वेरिएबल नेम जो भी मैंने वेरिएबल का यहाँ पर नाम लिखा वो जो है स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, वो ओनली न्यूमेरिक नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ int 1 is equals to 10, तो ये रॉन्ग है क्योंकि 1 एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है। या मैं यहाँ पर लिखता हूँ int at the rate is equals to 10, तो ये रॉन्ग हो गया, at the rate स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो वेरिएबल का जो नाम है वो कभी भी ओनली न्यूमेरिक या ओनली स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। दूसरी चीज एक और वो ये है कि वेरिएबल जो है एक लोकेशन के अंदर, एक मतलब की जो है बेसिकली जो है ना स्कोप के अंदर, जो हम स्कोप है, ठीक है ना, वो एक ही स्कोप में दो सेम नाम के वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा फ्लोट वेर इज इक्वल टू 10.10f, ये मैंने एक वेरिएबल लिखा, उसका मैं लिखता हूँ इंट वेर इज इक्वल टू 101, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ये मैंने टाइप अलग कर दिया, ये मैंने डाटा अलग कर दिया, लेकिन वेरिएबल का नाम मैंने सेम ही रहने दिया, वेर ऑफ है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है ना, तो आप एक सेम लोकेशन के अंदर या सेम स्कोप में सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं बना सकते, इवन इफ उनका डाटा टाइप चेंज हो जाए तब भी नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो ये कुछ ना रूल्स है। वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, एक और चीज आती है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, और दूसरा वेरिएबल कौन सा होता है, नॉन प्रिमिटिव। तो वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल, नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल। अगर सिंपल बोले तो प्रिमिटिव वेरिएबल वो है जो कि नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कि हाउ मच मेमोरी, वाट रेंज, मुझे नहीं पता,
नॉन प्रिमिटिव, मेरे को नहीं पता कि वो मेमोरी का कितनी जगह लेगा, मुझे नहीं पता कि वो क्या रेंज लेगा, ठीक है ना। तो ऑल क्लास टाइप ऑफ डाटा आर नॉन प्रिमिटिव। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करा था, टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, जब मैंने करा था क्लास के अंदर, तो न्यू टेस्ट का मतलब कि क्या हुआ, ये एक न्यू मेमोरी बना रहा है। न्यू टेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये एक न्यू मेमोरी बना रहा है जिसमें क्लास मेथड और क्लास वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। तो मैंने पिछली बार बताया था कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग क्लास डाटा कह सकते हैं कि ये क्लास का डाटा है। ये क्लास का डाटा कब बन रहा है, जब हम लोग न्यू कीवर्ड से उस क्लास को कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और टेस्ट टी उसे रेफर करने का काम कर रहा है। तो टेस्ट क्या हो गया, टेस्ट एक टाइप हो गया। किसका टाइप हो गया, क्लास का डाटा का टाइप हो गया, कि ये टेस्ट टाइप का डाटा है। और टी क्या हो गया, टी हमारा वेरिएबल हो गया, रेफरेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है वेरिएबल जो है टी, अगर कोई मेरे से बोले कि ये कितनी मेमोरी बन रही है टेस्ट क्लास की, तो मुझे नहीं पता कि ये टेस्ट क्लास की कितनी मेमोरी बन रही है, क्योंकि जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है जो कि ऑटोमेटिकली मेमोरी असाइन करता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो डिस्ट्रक्टर को अपना भी कॉल करके गार्बेज कलेक्शन करके उस मेमोरी को क्लियर कर देता है। इसके अंदर कोई रेंज नहीं पता भाई, कितने टाइप, कितना, कितने रेंज की वैल्यू स्टोर हो रही है। तो जितनी भी क्लास टाइप के डाटा होते हैं जो कि इनिशियलाइज होते हैं रन टाइम के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं, वो नॉन प्रिमिटिव डाटा कहलाते हैं। प्रिमिटिव डाटा कौन से कहलाते हैं, ठीक है, ये नॉन प्रिमिटिव के बारे में बात हुई। प्रिमिटिव डाटा कौन से कहलाते हैं, जो इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। प्रिमिटिव डाटा कौन से हैं, जिसे हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्या रेंज ले रहा है, क्या वैल्यू ले रहा है। जैसे कि जावा में हम लोगों को कुछ डाटा टाइप बनाकर दे रखे हैं। कौन कौन से डाटा टाइप बनाकर दे रखे हैं, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बूलियन। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बूलियन, ये जो है ये प्रिमिटिव टाइप के डाटा कहलाते हैं। यहां पर नोट करने वाली बात है, मैंने स्ट्रिंग नहीं लिखा है कभी। स्ट्रिंग प्रिमिटिव डाटा नहीं है, स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव टाइप का डाटा है, वो भी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्ट्रिंग क्लास को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये किस टाइप का डाटा होल्ड करता है, ये नंबर टाइप का डाटा होल्ड करता है। किस टाइप का डाटा होल्ड करता है, ये नंबर टाइप का डाटा होल्ड करता है, ठीक है ना। और कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करता है, और बूलियन ट्रू और फॉल्स को होल्ड करता है, ठीक है ना। तो डाटा टाइप के आगे अगर मैं यहाँ पर मेमोरी साइज लिखूं, तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये मेमोरी का साइज कितना लेगा। बाइट जो लेगा वो 1 byte लेगा, शॉर्ट क्या लेगा ये 2 byte लेगा, इंट क्या लेगा 4 byte लेगा, लॉन्ग क्या लेगा 8 byte लेगा, फ्लोट क्या लेगा 4 byte लेगा, डबल क्या लेगा फिर से 8 byte लेगा, कैरेक्टर क्या लेगा 2 byte लेगा, और ये 1 bit लेगा। तो ये मेरे को इसका मेमोरी साइज पता है कि बाइट टाइप का डाटा जो है वो मेमोरी का 1 byte लेगा, शॉर्ट मेमोरी का 2 byte लेगा, इंट 4 byte लेगा, लॉन्ग 8 byte लेगा, फ्लोट 4 byte लेगा, डबल 8 byte लेगा, कैरेक्टर 2 byte लेगा, और बुलियन 1 bit लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे को इसकी रेंज भी पता है कि कितनी रेंज का डाटा होल्ड करेगा, जैसे कि -127 to 127, तो मतलब कि ये इस रेंज का डाटा होल्ड करेगा। तो वैसे ही इसकी भी कुछ रेंज है, इसकी भी कुछ रेंज है, इसकी भी कुछ रेंज है, वो आप नेट से आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या रेंज का डाटा ले सकता है। फ्लोट जो और डबल जो है ये डेसिमल रेंज लेते हैं, ठीक है, ये डेसिमल रेंज लेते हैं। कैरेक्टर क्या लेता है, सिंगल कैरेक्टर लेता है, और हमेशा कैरेक्टर जो लिखा जाएगा वो सिंगल कोट में लिखा जाएगा। न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन एक ही कैरेक्टर होगा, और किसमें होगा, हमेशा सिंगल कोट में होगा, ठीक है ना। और बूलियन क्या लेता है, बूलियन ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है।
तो हमारे पास क्या है, ये डाटा टाइप है, ये मेमोरी का साइज है, और ये मेरे को रेंज पता है कि ये इतनी रेंज की ही वैल्यू लेगा, इस रेंज से बाहर नहीं लेगा, ठीक है ना। और अगर उस रेंज से बाहर आएगा तो फिर वो नेगेटिव में स्टार्ट हो जाएगा, तो जो भी फिगर आएगी वो इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही फिगर आएगी, तो मेरे को इसका साइज पता है। डिफॉल्ट डाटा टाइप का मतलब, जो डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि जब भी नंबर टाइप का डाटा लेते हैं तो जावा जो है वो इंट को डिफॉल्ट मान के चलता है। डिफॉल्ट मतलब कि वो बाय डिफॉल्ट कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेगा, इंट टाइप का मान के चलेगा। और वैसे ही अगर डेसिमल टाइप की वैल्यू होगी, डेसिमल मीन कुछ भी पॉइंट में डेसिमल में लिखा होगा, तो जावा उसे जो बाय डिफॉल्ट मान के चलेगा, सॉरी फ्लोट में नहीं होता, सॉरी ये फ्लोट में, वो डबल होता है, ठीक है। तो डबल को डिफॉल्ट मान के चलता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है न्यूमेरिक रेंज है, ये न्यूमेरिक रेंज में जो नॉन डेसिमल है, नॉन डेसिमल के अंदर इंट डिफॉल्ट है, और जो डेसिमल है उसके अंदर डबल को डिफॉल्ट मान के चलता है, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारे पास प्रिमिटिव टाइप के डाटा है जो कि हम लोगों को देते हैं। अब प्रिमिटिव टाइप के डाटा और नॉन प्रिमिटिव टाइप के डाटा के लिए हम लोग कन्वर्जन का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम लोग एक टाइप के वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग जो है डाटा कन्वर्जन के नाम से पहचानते हैं। और उसी को अंदर दो तरीके कन्वर्जन होते हैं, एक अपकास्टिंग ऑफ द डाटा होता है और एक डाउनकास्टिंग ऑफ द डाटा होता है, या इसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। तो उसका कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं कि व्हाट इज अपकास्टिंग ऑफ द डाटा एंड व्हाट इज डाउनकास्टिंग ऑफ द डाटा, ठीक है। तो ऑल द टाइप ऑफ द डाटा कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर। हम लोग शॉर्ट को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग को फ्लोट में कर सकते हैं, फ्लोट को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल द टाइप ऑफ द डाटा कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर एक्सेप्ट बुलियन। जैसे बोल रहा हूँ कि बुलियन को मैं किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं बाइट को बुलियन में नहीं कर सकता या बुलियन को इंट में नहीं कर सकता। बुलियन को छोड़कर बाकी कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, जितने भी टाइप के डाटा है वो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे कन्वर्ट हो सकता है, अपकास्ट करके कन्वर्ट हो सकते हैं या डाउनकास्ट करके कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अपकास्ट और डाउनकास्ट का मतलब क्या, उस चीज को देखते हैं। रेंज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो मैंने रेंज लेयर को रख रखी है, और मेमोरी को भी ध्यान रखिएगा कि मेमोरी क्या है, ठीक है ना। तो इस चीज को क्योंकि कन्वर्जन के अंदर इस मेमोरी का और रेंज की हमको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे को इस चीज को रिमेम्बर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं, कि मैं यहां पर जो है बाइट बी इज इक्वल्स टू वन कर, मैंने एक बी नाम का वेरिएबल लिया और उसको मैंने इनिशियलाइज करा वन से, ठीक है। और अब इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है, 127। अगर मैं बी प्लस प्लस करता हूँ, इंक्रीमेंट करता हूँ, तो मैक्सिमम रेंज जो जाएगी वो उसकी 127 तक जाएगी, जो आपने अभी देखा, ठीक है ना। मान के चलिए मैं ये क्रिकेट का स्कोर होल्ड कर रहा हूँ, मैं एक प्लेयर है, मैं उस प्लेयर का क्रिकेट का स्कोर होल्ड कर रहा हूँ बाइट के फॉर्मेट में। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये जो है क्रिकेट जो है इसके अंदर मैक्सिमम जो अब तक किसी ने स्कोर करा है वन डे क्रिकेट में या T20 में, वो 127 तक नहीं करा। तो जो भी बंदा होगा वो 101, 102, 110, मैक्सिमम 120 यहाँ तक मारेगा, उसके आगे रन नहीं मारेगा। तो इसलिए मैंने कंटेनर का साइज को छोटा ले लिया और मैंने बाइट टाइप का डाटा को होल्ड कर दिया। लेकिन क्रिस गेल खेल रहा है और क्रिस गेल ने बहुत धुआंधार खेला और क्रिस गेल ने क्या कर दिया, आज 150 रन बना लिए मान के। तो मेरे को तो 150 इस रेंज में मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगा बाइट के कंटेनर, क्योंकि बाइट का कंटेनर छोटा है और ये 127 का ही डाटा होल्ड कर पाएगा। 127 के अगर ऊपर वैल्यू आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी हमारी, जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था। तो फिर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कंटेनर को बड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि आप दूध लेने जाते हो, भाई आपका दूध वाला आता है और वो आप एक कंटेनर लेकर जाते हो और वो बोलता है दूध नाप दिया महंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूध और बच रहा है अभी आपका, इस कंटेनर में आ नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, आप एक और नया कंटेनर लेकर आओगे और आप उसमें वो बचा हुआ दूध ले लोगे, तो आपके तो दो कंटेनर फिल हो गए, एक के अंदर एक डाटा आ गया, दूसरे के अंदर दूसरा डाटा आ गया, और जो दूसरा वाला कंटेनर था वो पूरा नहीं भरा, उसमें जरा सा दूध आ गया। तो दो दो कंटेनर को फ्रिज में तो नहीं रखेंगे,
तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक बड़ा कंटेनर ले आओगे और आप क्या करोगे, जो पहले वाला दूध आपने नापा था उसको पहले उसमें डाल दोगे, तो वो वाला दूध किस में चला गया, बड़े कंटेनर में चला गया, स्पेस बच गया, और जो बाकी बचा हुआ दूध था वो भी आप उसमें डाल दोगे, तो आपने क्या करा, दोनों डाटा सिंगल कंटेनर में डाल दिया, वही ज्यादा बेटर अप्रोच है। तो यहाँ पर भी वही अप्रोच करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि पहले बाइट टाइप के डाटा को किस में डाल देते हैं, एक बड़े कंटेनर में डाल देते हैं, इंट में डाल देते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं अब कास्टिंग करना, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट बाइट डाटा टू इंट। तो मैं इसका मतलब कि बाइट, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो मैक्सिमम 127 का है, तो ये 127 किस टाइप का, मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ पर जो लिखा जाता है डाटा लिखा जाता है, यहाँ पर टाइप लिखा जाता है, तो ये 127 किस टाइप का था, बाइट टाइप का था। तो लेकिन मेरे को उसमें 150 ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बाइट टाइप के डाटा को इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं अब कास्ट करना, क्योंकि मैं छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ इंट आई इज इक्वल्स टू बी। तो इसका मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे अब कास्ट कर रहा हूँ। तो सिंपल था, छोटी वैल्यू को मैं बड़े कंटेनर में डाल देता हूँ, और इंट में आपने देखा रेंज भी ज्यादा है, और इंट के अंदर आपने मेमोरी भी देखा कि चार मेमोरी है, तो इसका मतलब कि 1 की मेमोरी 4 की मेमोरी में डायरेक्टली जा सकती है अब कास्ट, ठीक है ना। और अब मैं यहाँ पर आई को प्लस प्लस करूंगा, तो आई अब मेरा 150 तक की वैल्यू ले लेगा। तो इस तरीके से मैं उसको काम कर सकता हूँ, इसे कहते हैं अब कास्ट करना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लेकिन क्या करना, ये मेमोरी का ध्यान रखना है कि छोटी मेमोरी बड़ी मेमोरी में जा सकती है, छोटा रेंज की जो वैल्यू है वो बड़ी रेंज के अंदर जा सकती है, डायरेक्टली जा सकती है। तो उसके लिए हम लोग सीधा उसकी वैल्यू को बड़े कंटेनर में डाल सकते हैं, इसे अब कास्टिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरी चीज होती है डाउन कास्टिंग करना, वो डाउन कास्टिंग का मतलब देखते हैं। मैंने इंट एज इज इक्वल्स टू 23। अब यहाँ पर जो एज है ये वेरिएबल है इंट टाइप का, तो ये मेमोरी कितनी ले रहा है, 4 बाइट। अभी आपने देखा कि वो मेमोरी इंट कितनी मेमोरी ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है। लेकिन किसी की एज क्या 127 से ऊपर हो सकती है, आप बोलोगे यार 127 बदले गई बिरला ही होगा जिसकी एज 127 से ऊपर होगी, तो मैं ये जो 23 है ये 23 में बाइट टाइप के कंटेनर में भी होल्ड कर सकता हूँ। कहने का जो मतलब है, आप 3 दिन के लिए वैकेशन के ऊपर जा रहे हो बाहर, और 3 डेज के आपके पास 2 बैग हैं, एक बड़ा बैग है और जिसमें 15-20 कपड़े आ सकते हैं, और एक छोटा बैग है जिसमें 5-10 कपड़े आ सकते हैं। तो आप क्या, आप 3 डेज के लिए जा रहे हो और आपको 5 कपड़े लेकर जाने हैं, तो आप बड़ा वाला बैग कैरी कर लेकर जाओगे कि छोटा वाला कपड़े, तो दोनों में आ जाएंगे। लेकिन बड़ा वाला आप लेकर जाओगे तो नेसेसरली स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ज्यादा, तो आप बोलोगे कि मैं छोटे वाले में ही ले जाऊंगा, वो उसको कैरी करना ज्यादा आसान हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर है कि 23 बड़े बैग में भी आ सकता है और 23 छोटे बैग में भी आ सकता है, लेकिन बड़े बैग में रखने का क्या एडवांटेज है, जब वो स्पेस अननेसेसरी ऑक्यूपाई करेगा तो इसको छोटे कंटेनर में डाल देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो 23 इंट टाइप का है इसे मैं बाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट इंट टू बाइट, मैं इंट को बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मतलब क्या, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बड़ा कंटेनर जो 4 का था उसका डाटा छोटे कंटेनर में डाल रहा हूँ, 1 में डाल रहा हूँ। इसे कहते हैं डाउनकास्ट करना, क्या करना, डाउनकास्ट करना। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ बाइट बी इज इक्वल्स टू एज, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी के अंदर आप 1 मेमोरी के अंदर 4 एज नहीं डाल सकते। तो उसके लिए मेरे को जो है, जब डाउनकास्ट करना होता है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, उसके लिए मेरे को बाइट बी और ब्रैकेट के अंदर, जिसके अंदर आपको उसको कन्वर्ट करना होता है उसको ब्रैकेट में लिखकर, और उसके बाहर उस वेरिएबल को जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है उसको लिखना होता है। तो ये जो है ये उसको कंप्रेस डाउन कर देगा बाइट के अंदर, और इसे क्या कहते हैं, इसे डाउन कास्ट करना कहते हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को 23 मिलेगा, लेकिन 23 किस टाइप का बन जाएगा, यहाँ पर बाइट टाइप का बन जाएगा। तो उसको अंदर ये 1 मेमोरी लेगा, 4 मेमोरी को 3 मेमोरी को वो क्या कर देगा, फ्री कर देगा, 3 मेमोरी फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये है, बाकी लोकल ग्लोबल वेरिएबल हम लोग नेक्स्ट आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे क्या मतलब है। तो इस सेशन के अंदर अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा ग्रुप ऑफ द क्लासेस क्या है,
और ग्रुप ऑफ द क्लासेस में एक क्लास को दूसरी क्लास से एक्सेस किया जा सकता है, और आउटर और इनर क्लास का मतलब क्या है और इनर क्लास को कैसे आउटर के थ्रू इनिशियलाइज करना है वो हम लोगों ने देखा, इसका प्रैक्टिकल सेशन नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। और इसी के साथ हम लोगों ने वेरिएबल देखा, एक कंटेनर है जो डाटा होल्ड करता है, और प्रिमिटिव टाइप के डाटा का क्या मतलब होता है और नॉन प्रिमिटिव टाइप के डाटा का क्या मतलब होता है, और हम लोग टाइप कास्टिंग वन टाइप ऑफ डाटा से दूसरे टाइप के डाटा के अंदर अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग कैसे करते हैं, और इसका अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग का भी एग्जांपल आपको हम लोग एक नेक्स्ट अभी वीडियो जो है अगर शेयर करूंगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस सेशन के थ्योरेटिकल सेशन में इतना रखते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन के अंदर आपको इसके प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस एग्जाम्पल्स को डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी वही है मेरा नंबर आपको याद हो ही गया होगा फिर से 9810926239 फराज मेरा नाम है। आपको कोई भी डिफिकल्टी हो समझने के अंदर तो आप मेरे को इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, वेबसाइट हमारी rminfotechsolutions.com पर आप विजिट कर सकते हो, rminfotechsolutions.com पर कॉन्टैक्ट अस लिंक पर जाएंगे तो वहाँ पर कंपनी का एड्रेस मिल जाएगा, आप मेरे से पर्सनली आकर विजिट कर सकते हैं, और क्लासेस जो है डाउट्स है उसको मेरे साथ पर्सनली आकर भी क्लियर कर सकते हैं स्काइप के थ्रू भी। मेरे को आप मेरा मेल आई डी paragguide@yahoo.co.in paragguide@yahoo.co.in वहाँ पर आप मेरे को मेल भेजिएगा तो मैं आपको अपना स्काइप आईडी वगैरह भी शेयर कर दूंगा, तो आपका डेस्कटॉप शेयर भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग का टॉपिक कि व्हाट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है ना, और हम लोग देखेंगे कि हाउ टू टेक इनपुट इन जावा, जावा में आईओ पैकेज से इनपुट कैसे किया जाता है, और स्ट्रिंग क्लास को हम लोग प्रिमिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं रैपर क्लास के थ्रू, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए शब्बक है, बहुत बहुत धन्यवाद।